गाइस वेलकम टू माय चैनल एस एम टैरोट कार्ड रीडिंग। क्या आपके पर्सन के साथ आपका कांटेक्ट होगा, क्या आपके पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे, क्या उनकी फीलिंग्स आपके लिए हैं, इन सब चीज़ों को टैरो कार्ड में देखेंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग एंड टाइमलेस रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग है आप सभी लोग देख सकते हैं, टाइमलेस रीडिंग है तो टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या भावनाएं हैं, क्या फीलिंग्स हैं, इन सभी चीज़ों को टैरो कार्ड में देखेंगे। तो यहाँ पर एनर्जीज़ क्या है आपके पर्सन की आपके लिए और वो क्या सोचते हैं आपके लिए, इस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड इज़ गिल्ट, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड इज़ गिल्ट और ये गिल्ट का कार्ड यहाँ पर इस चीज़ के लिए आया है क्योंकि कई बार आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रू है एंड उनकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ है या फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे किया है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ना इस समय गिल्ट में हो रहे हैं। क्योंकि आपके जो पर्सन हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत दिनों के लंबे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप मतलब एक अलग सी फीलिंग्स यहाँ पर नज़र आ रही है। उनको गिल्ट हो रहा है इस बात का कि उन्होंने आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया। तो ये एनर्जीज यहाँ पर बन रही है, मतलब गिल्ट का कार्ड जो है वो यहाँ पर इस चीज़ को शो कर रहा है। क्योंकि गिल्ट है इसलिए उनको, क्योंकि आपसे उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट तोड़ दिया। एंड सेकेंड कार्ड इज सक्सेस एंड यहाँ पर एनर्जीज गिल्ट की बन रही है और आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गिल्ट में है क्योंकि उन्होंने आपके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। तो उनकी फीलिंग्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको लेकर मतलब लविंग वाली फीलिंग्स बन रही है, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं ये आपसे दूर जाकर। उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ अपने रिलेशनशिप को क्यों ब्रेक कर दिया। तो इस चीज़ को यहाँ पर दिख रहा है, एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की आपके लिए केयरिंग हो रही है, लविंग हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको सता रहा है। यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड है और ट्रैवलिंग का कार्ड यहाँ पर यही चीज़ को बता रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपसे मिलना चाहते हैं एंड आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर एनर्जीज ये भी कह रही है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है लेकिन वो आपको अनब्लॉक करेंगे बहुत जल्द क्योंकि उनका मन जो है वो आपके बिना नहीं लग रहा है। न्यू विजन का कार्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है, बर्डन का कार्ड है। बर्डन का कार्ड यहाँ पर इस चीज़ के लिए भी हो रहा है क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं इस समय पर। एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बोल रही है, ठीक है। तो राशियाँ यहाँ पर जो बन रही है, एरीज लियो सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉन टॉरस जेमिनी लिब्रा है, कैप्रिकॉन है, पाइसेस है। तो बर्डन आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा ये भी हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो बर्डन की वजह से ही उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था और इसी चीज़ को लेकर आपके पर्सन और आपके बीच में डिस्टर्बेंस भी हो गया था क्योंकि आपके पर्सन ने आपको अचानक से ही इग्नोर कर दिया था। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। लेकिन अब जाके कहीं ना कहीं क्योंकि बहुत दिनों के लंबे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह से आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है एंड वो सोच रहे हैं कि अब आपके लाइफ में दोबारा से वापस आ जाए। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। पर्सनली गाइडेंस के लिए आप मुझे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं एंड टेक केयर। बाय बाय।